दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन लाहौर के ट्रैफिक के मसाइल की अपनी ही बात है, और वो मसला हल करने के लिए आपके महकमे ने आपको ये जिम्मेदारी दी है। आई मीन बड़ी ज़बरदस्त भी है एंड चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। सबसे पहले तो फील कैसा हो रहा है बीइंग द फर्स्ट चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर की? देखिए, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो बिल्कुल ऑनर की बात है कि अपनी सीनियर लीडरशिप ने मुझ पर ट्रस्ट किया और एक वाकई चैलेंजिंग असाइनमेंट के लिए मुझे जो है वो सिलेक्ट किया, और जाहिर है मेरी कोशिश होगी कि अच्छे तरीके से और बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतरा जाए, और सबसे ज़्यादा तो ये कि लाहौर के सिटीजन्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा जाए, बिकॉज मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से, और ट्रैफिक मैनेजमेंट लाहौर के अंदर बिल्कुल एक चैलेंज है, एक इशू है, ख़ास तौर पर आजकल जब आपने देखा है बहुत ज़्यादा हमारे पास कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि फ़्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो स्मूथ रखना वाकई एक चैलेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सारी आर्टरीज हमारी क्लोज्ड हैं, बहुत सारी रोड्स जो हैं वो अनअवेलेबल हैं ड्राइवर्स के लिए, जिसकी वजह से कुछ रोड्स के ऊपर बर्डन और प्रेशर ज़्यादा। अगर मैं सबसे बड़ा चैलेंज आपसे पूछूँ या मसला, क्योंकि जारी बात है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वसाइल कम है, लॉजिस्टिक्स हमारी सड़कें थोड़ी हैं और प्रेशर बन जाता है, फिर लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, सबसे बड़ा चैलेंज बतौर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब तक की ब्रीफिंग्स के बाद आपको क्या लगता है, या बतौर सिटीजन भी जो आपने देखा हो? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा ट्रैफिक मैनेजमेंट, एंड सेकेंडली मैं समझती हूँ कि सिटीजन्स अपने आप में अपने तौर पे एजुकेट हों, वो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि किसी भी माइंडसेट को किसी भी इतने अरसे से जो फॉलो की जा रही होती हैं इल डिसिप्लिन की चीज़ें, उनको चेंज करना मुझे लगता है कि वो मुश्किल है। हम एज लॉ इन्फोर्सर्स एक जगह पे खड़े होकर आपका हेलमेट चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमें क्रॉस करेगा वो आगे जाके हेलमेट उतार देगा। तो मोटरबाइक को जो है वो हमें ट्रैफिक वार्डन को देख के तो वो पहन लेगा हेलमेट। तो ये जो सोच है हमारे अंदर, जो एहसास है, मेरे ख्याल से जब तक ये अपने विद इन इंटरनल उसमें ना आए तब्दीली ना ये है। मुश्किल होता है कि स्कूल करना किसी को, आपको टीच करना पड़ता है, और वो एक प्रैक्टिस जो चली आ रही होती है उसको ब्रेक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जब तक सिटीजन खुद नहीं रियलाइज करेंगे कि ये सारे कवानीन, सारे जो सेफ्टी रूल्स हैं, ये बेसिकली उनके फायदे के लिए हैं और बेसिकली इर्द गिर्द के ड्राइवर्स के फायदे के लिए हैं, तो वो मेरे ख्याल से एक अपने आप में एक चैलेंज है। अच्छा, आपकी सीटीओ ऑब्वियसली एक और भी प्लस पॉइंट या एक प्लस फैक्टर हम कह सकते हैं कि एज अ फीमेल आपको रियलाइजेशन होगी कि खवातीन के क्या मसाइल हैं, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए, और हमारे यहाँ दो के विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेप्टेंस भी है, अवेयरनेस भी है, खवातीन रोड्स के ऊपर हमें नजर भी आती हैं, लेकिन आप एज अ फीमेल सीटीओ क्या चाहेंगी कि किस तरह के इकदाम आप खवातीन को इनकरेज करने के लिए? देखें, मैं तो बिलीव करती हूँ कि जो सबसे बड़ी एम्पावरमेंट है आजकल वो आपकी मोबिलिटी है। आप इंडिपेंडेंट हैं अगर आप अपने आप में मूव कर सकती हैं। आपने देखा होगा शुरू से ट्रेडिशनली घरों में होता था कि वो एक जो है वो जिसको मोटर बाइक या गाड़ी चलानी आती थी वो वालदा भी उसके इंतज़ार में होती थी, बहन भी उसके इंतज़ार में होती थी, और वो ख़ुद अपनी मोबिलिटी के बारे में वो डिपेंडेंट होती थी बेसिकली। तो मैं समझती हूँ कि अभी मेरी अपनी ख्वाहिश भी होगी और हमारे इसमें प्लान्स भी हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो मोटर बाइक चलाना सीखें, स्कूटी चलाना सीखें, वो गाड़ी चलाना सीखें, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, मोबाइल रखें, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एम्पावरमेंट की फीलिंग है। अच्छा, इसमें फिर आपके महकमे के अंदर जारी बात है आप तो ट्रैफिक को देखती हैं, लेकिन जो शहरियों की हिफाजत है समाव वो दीगर जो महकमे के अंदर डिपार्टमेंट्स उनका है, उनका काम है, तो इसमें फिर कोऑर्डिनेशन क्या है? आई मीन खवातीन निकलती हैं सड़कों पर, वो बड़ी करेजियस हैं, काम भी करती हैं, ड्राइव भी करती हैं, बाइक्स भी चलाती हैं, लेकिन फिर वो जो एक तहफ़ुज़ का एहसास है वो दिलाना हमारे मुआशरे में बड़ा ज़रूरी है, तो इसमें जो महकमाना कोऑर्डिनेशन है आपकी ये किस सतह पर, और यू बींग द फीमेल चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आप समझती हैं कि इस मजीद काम करने की जरूरत है, इसको आगे लेके जाने की जरूरत है? बिल्कुल, जो हैरेसमेंट और उस सेंस में आपने देखा होगा मुख्तलिफ पंजाब पुलिस की अब इसमें एक्शन है, एप्स बनाई गई हैं, हमारी हेल्पलाइंस एग्जिस्ट करती हैं, और क्योंकि एज आपको पता है सारा ऑपरेशंस ब्रांच, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और ट्रैफिक ये मिलके ही लाहौर पुलिस का हिस्सा बनते हैं, और हमारी जो हायरार्की है वो इसी तरह है कि हमारे जो कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, CCPO लाहौर, ही इज़ आवर मेन पर्सन, वो हमारे हेड होते हैं,
वो दोनों तरफ से वो जाहिर है कोऑर्डिनेशन में कोई इशू आता नहीं है। रिश्वत सतानी एक ऐसा फैक्टर है जिस पे जब भी पुलिस की बात होती है, ये मैंने आप आईजी साहब से भी सवाल किया था एक इंटरेक्शन के अंदर, इस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत, दो चीजों पे बड़ा सवाल होता है, एक पुलिस के रवैये पे चाहे वो ट्रैफिक वार्डन है या आम पुलिस वाला है, और दूसरा ये जो रिश्वत सतानी का मामला होता है, और दोनों ही बड़े चैलेंजिंग है, आई मीन आप उसको मुश्किल होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म आपके जहन में है कि जो रूल फॉलो नहीं कर रहा वो छोटे मोटे 50 रुपए दे के छुटे ना, और कम से कम उसको एक ऐसे ही सजा मिले कि वो उसके बाद उस रूल को फॉलो करे, इसके ऊपर कोई काम किया है आपने या करने का इरादा रखती हैं आप? करने का इरादा बिल्कुल है, हमारी ऑलरेडी जो है वो हिडन विजिलेंस टीम्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे सीवीज के अंदर सादा कपड़ों में वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन भी देती हैं, और हमारी अपनी सोर्स रिपोर्ट्स भी होती हैं, ठीक है, और सिटीजन्स जो हैं वो खुद भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कंप्लेंट भी कनेक्ट करते हैं 1787 पे भी कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे मोबाइल्स और हर चीज़ आपको पता है वो ओपन है, अवेलेबल है, तो उसके ऊपर वो कर सकते हैं। और ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही आपका रवैया, और आपका जो रिश्वत वाली बात आपने की है, और मैं इस प्रोग्राम के थ्रू बिल्कुल कहना भी चाहूँगी कि ऐसी कोई भी कंप्लेंट हो प्लीज़ यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, और जो मेरे ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है कि वो अपना एटीट्यूड चेंज करें, अच्छा रखें। वैसे पिछले कुछ अरसे में तब्दीली है, अच्छा रवैया है, बहुत हम कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन यस जरूरत है और बहुत जरूरत है, बिकॉज आप जब ये कोई एक भी उनमें से ऐसी हरकत करता है तो पूरे इंस्टीट्यूशन पे पूरा इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट खत्म होता है। अच्छा हमारे से पर दूसरी जानिब आजकल जो ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बात भी हो रही है, अब ट्रैक डाउन भी किया जा रहा है लाइसेंसेस को लेकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑब्वियसली लाइसेंस बनवाना और खिदमत मराकज के हवाले से, मेरा खुद भी जाने का तबाक हुआ, बहुत ज़्यादा लोग अब आ रहे हैं लाइसेंसिंग के लिए, क्या चैलेंजेस हैं और कितनी बेहतरी आई है लाइसेंसिंग को लेकर? देखिए चैलेंजेस उसमें जो हैं वो बेसिकली जिस तरह आपने कहा बहुत लंबी क्यूज हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज जो थे वो पहले से बढ़ाए भी गए हैं, मतलब सेंटर्स भी हमने बढ़ाए हैं, बट स्टिल वो एक बैकलॉग था। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास तकरीबन 10-15% ड्राइवर्स जो हैं उनके पास लाइसेंसेस थे, सो 85% ऑफ द पीपल हु हैड बीन ड्राइविंग फ्रॉम 15 years इवन 20 years दे वर नॉट हैविंग द लाइसेंस। नहीं बिल्कुल, तो अब वो जो 85% का जो है वो एकदम से जब हमने क्रैकडाउन शुरू किया तो वो उसकी वजह से दे ऑल आर गोइंग टू द लाइसेंसिंग सेंटर, ठीक है, और जाहिर है नई यूथ है हमारी 18 ईयर्स जैसे प्लस हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी। अच्छा, यूथ का चूंकि आपने जिक्र एक बड़ा अहम नुकता है, पिछले दिनों में एक दो वाक्य, एक डीएचए में वाक्य आया पेश हुआ और उसमें एक लड़के ने कुछ 5-6 लोग उस हादसे में जामबक हो गए, उसके बाद एक क्रैकडाउन शुरू हुआ जो यंगस्टर्स गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उसमें एक एक सवाल बड़ा पेनिट्रेट किया खासतौर पर सोशल मीडिया पर कि उन बच्चों को पकड़ के 16-17 साल के बच्चों को हम लोग थाने में जेल में डालते हैं, उससे ये होता है कि जी उनका नाम अगर उनके ऊपर मुकदमा बन गया, उनका करियर पूरा खराब हो गया, एक उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया, तो बजाय इसके कि उन बच्चों को इसकी सजा दी जाए, सजा के ज्यादा मुस्तहिक उनके वालिदैन हैं जो उनको ये वसाइल फराहम कर रहे हैं। एक तो आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं बतौर शहरी भी और बतौर ऑफिसर भी, और दूसरे कि क्या आपको लगता है कि वाकई हमें जो शिफ्ट है ये बच्चों से ज्यादा वालिदैन पर करना चाहिए ताकि वो एहसास जिम्मेदारी दिखाएं इस मामले में? देखिए दो चीजें हैं, मैं समझती हूँ कि कई दफ़ा आपको चूज़ करना पड़ता है, आपको चूज़ करना पड़ता है। अब एक बच्चा जो है थ्रू आउट पुलिस ने हमेशा नरमी रखी कि अच्छा बच्चा है ये, अब इसको हम क्या लेके जाएंगे, उसकी वजह से देखें ये ट्रेंड कितना बढ़ गया, उसकी वजह से अंडर एज ड्राइवर्स जो हैं उनकी तादाद कितनी बढ़ गई, और डेली बेसिस पे हम हंड्रेड्स की तादाद में बच्चों के ऊपर FIRs अभी भी रजिस्टर हो रही हैं। वो जो एक इंसिडेंट है उसने सबकी आंखें खोलनी, और आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या आप उनको ये आप लीनियंसी दे के इतना बड़ा नुकसान फिर उठा लेंगे। लेकिन डोंट यू थिंक कि उसके पूरा करियर एक FIR की वजह से, क्योंकि एक बच्चा 17-18 साल का, हम सबके बच्चे हैं, छोटे यंगस्टर्स हैं, हमें पता है कि उनको नहीं पता होता कि वो क्या गलती कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारी लीडरशिप इसके बारे में सोच भी रही है, कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस हैं कि इसके बारे में सोचा जाए कि बच्चों का जो करियर है आगे, प्रोफेशन है, फ्यूचर है, बाहर जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, वो थोड़ा सा दिक्कत उनके अंदर, तो इसके ऊपर अभी टू बी ऑनेस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो
पंजाब पुलिस की तरफ से मेहमाना को सवाल है तो कर ले, मैं थोड़ा सा फिर पर्सनल लाइफ के बारे में मैं भी पर्सनल लाइफ की तरफ ही आने वाली थी। अब चूंकि ऑब्वियसली एज अ खातून बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपने अपने डिपार्टमेंट को भी पूरा टाइम देना है, फैमिली को भी मैनेज करना है, और अब आपकी पोजिशन माशाल्लाह इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, दो कि आप ऑलरेडी सर्व कर चुकी हैं, फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ कैसे चल रही है? फैमिली लाइफ शुरू में ज़्यादा इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा, हमारी जॉब टाइम बहुत 24/7 है, और एज एएसपी मुझे याद है कि इट यूज़ टू बी वीक्स जब मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा होता था, और कई कई हफ्ते अपने बच्चों, क्योंकि मैं किसी और सिटी में होती थी, बच्चे लाहौर में होते थे, उनकी स्कूलिंग इधर चल रही थी, तो वो उस सेंस में करती है इफेक्ट। इसमें लकी मैं इस तरह से थी कि मुझे सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ से, अपने मदर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, और मतलब जिस तरह हम एक्सटेंडेड फैमिली होती है, तो वो आई थिंक कि दैट इज व्हाई वो काफी ज्यादा चीजें बैलेंस आउट हो गई। सो हाउ डिफिकल्ट दैट बैलेंस इज, आई मीन जो खवातीन खासतौर पर पुलिस फोर्स की मैं बात कर लेता हूँ, अभी नई बच्चियां भी कई आ रही हैं, अब तो बहुत ज्यादा इंडक्शन हुई हैं रिसेंट पास्ट के अंदर, तो लोग मेरे चीज से घबरा भी जाते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी चैलेंजिंग जॉब है, इट इज सम हाउ, तो आप उनके लिए कोई सजेशन है आपके माइंड में? मेरे हमेशा बिल्कुल, हम जब आई वॉज पोस्टेड एज एएसपी तो पंजाब में उस वक्त एएसपी फीमेल्स थी नहीं, आई वॉज द फर्स्ट वन, हम लोगों का पहला बैच था, तो हमें वो गाइडेंस उस तरह से मिलती नहीं थी। तो बहुत सारी लड़कियां जो अब आती हैं वो आके यही क्वेश्चन पूछती हैं कि मैडम हाउ डिड यू मैनेज विद चिल्ड्रन, तो ये एक ट्रिकी सा और बड़ा डेलिकेट सा वो होता है, उसमें खवातीन आपको पता है टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसमें जो आपका मल्टीटास्किंग की एक फैक्टर है उसे घबराना नहीं होनी चाहिए, स्किल है वो आप अगर एक दफा सीख लें तो मैनेज हो जाता है वो मल्टीटास्किंग जो है, और खवातीन कर लेती हैं बड़ी अच्छी, आई थिंक मेल से ज्यादा अच्छी मल्टीटास्किंग। लेडी ऑफिसर्स के घर में किस हद तक आप एक पुलिस ऑफिसर होती हैं बच्चों के लिए? मेरे ख्याल से आपको अपना स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बेस्ट ये है कि द मोमेंट यू एंटर द हाउस यू शुड जस्ट बी वरीड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द हाउस, हाउ यहाँ घर में क्या काम है करने, तो घर में रोबो दबदबा नहीं चलता उस तरह का, वो स्विच होता है मदर का, एक मदर वाला रोब तो होता है बिकॉज इवेंचुअली तो फिर आपको पता है मदर आर रनिंग द हाउस, और उस सेंस में बिल्कुल होता है, लेकिन हाँ वो वाली चीज नहीं होती है बिकॉज आपने प्यार भी करना है, आपने ही मैनेज करना है, डांटना भी है, पढ़ाना भी है, तो वो ये चीजें हैं। हमारा बिल्कुल आखिरी मिनट है, आप चूंकि एक बहुत अहम मुद्दे पे अब हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि इफ यू लाइक टू टॉक टू द पीपल, लाहौर के शहरियों से कुछ कहना चाहें, बीइंग चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कुछ भी आप बोलना चाहें। बिल्कुल, तमाम सिटीजंस लाहौर के स्पेशली, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप देख रहे हैं क्रैकडाउन चल रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस होने का सबूत दें, बहुत जरूरी है, हम नहीं चाहते, हम लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं, हम नहीं चाहते कि हम आपको कोई तंगी दें, आपके लिए कोई डिसकंफर्ट पैदा करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कानून की पासदारी भी करवानी है, हमने ये भी इंश्योर करना है कि कवानीन फॉलो हो, तो बहुत अच्छा होगा कि आप कवानीन को देखें, उनको पढ़ें और खुद से उनको फॉलो करें। वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू वेरी मच सीटीओ लाहौर, हमारे साथ अतर साहिबा मौजूद थी, थैंक यू फॉर योर टाइम, बड़ा जबरदस्त मैसेज है जी, अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, तभी आपके साथ ये लोग, और एक बड़ा मस्बत एक फैसला है मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट का एक खातून को इतने अहम ओहदे पे लगाने का, हम उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके आएंगे।